हेलो दोस्तों, हर हर महादेव, राधे कृष्ण, जय श्री राम, जय हनुमान। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? हम लोग उम्मीद करते हैं आप एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने जीवन में खुश होंगे। हम लोग भी बिल्कुल अच्छे हैं दोस्तों। तो मैं सुनील कुमार चौहान, मैं नगांती चौहान, और ये मानसी चौहान। स्वागत करते हैं अपने चैनल विजय नगांती चौहान ब्लॉग में। वीडियो एंड तक देखिए और प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो ब्लॉग भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो फुल वॉच करके वीडियो एंड तक देखें। फाइनली चल रहा हूँ मार्केट में, क्योंकि इसके पहले वाला वीडियो में देखे थे चावल लाने गया था, दुकान बंद था। देखता हूँ अभी खुला है कि नहीं, लिया कर रख लेता हूँ, नहीं तो शाम को फिर दिक्कत होगी। फाइनली मार्केट में चलिए, अभी पहुँचते हैं दुकान पर राशन की। देख सकते हैं अभी सारा लोग, चलिए अभी थोड़ी देर के बाद फिर आएंगे। तो अभी देख सकते हैं, बाप रे, मानसी और नगांती जी रेडियो के, थोड़ा इधर दिखाइए जी, रुकिए रुकिए, इधर गाना बजाने लगा, कॉपी राइट आ जाएगा। तो अभी देख सकते हैं क्या है? रील्स बनाने के लिए ना, यहाँ पर खाली वहाँ जाइएगा, वहाँ हाईवे पे मिशन से बोलिएगा, वहाँ पे ना एक लगाई थी बस, उधर से हम आ रही थी तब काम ले रहा था, मुझे तो रख के आना पड़ता है ना। अच्छा, सभी लोग आ रहे हैं। मेरी ललन का लेकर आ रही है ना? ना, अच्छा है अच्छा है, किसी को मत देना है, ठीक है। हाँ, कोई मांगेगा तो बोलना बड़े पापा माना कि हम नहीं दूंगी, ठीक है? हाँ, बांट के खाना चाहिए ना मांसी। तो बताइए कहाँ कहाँ जा रहे हैं? चले आप उधर से आइएगा तब बताइएगा कि कहाँ कहाँ घूम के आए, फिर मैं भी नहीं जा रही हूँ, नहीं वही जो काम है और उसके बाद थोड़ा बहुत घूम भी लीजिएगा। कौन सी अभी बच्चे वहीं पे हैं जो शादी हो रहा है, तो वहाँ पर आलू अच्छी है, तो बोले शाम को मम्मी जल्दी आ जाना, थोड़ा सा तैयारी कर देना, मैं ठीक। अच्छा, अभी विजय नहीं आया ना? आ गया, खाना खा के। चलो ठीक, खाना ना खा के ठीक है। तो आप लोग जाइए, हमें जब तक नहीं, अभी वो दुकान बंद है ना, अभी गया था। हाँ, वो दुकान बंद है, वो दुकान उधर सोच ले लें। हाँ हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा देते हैं, कम रेट लगाते हैं। हाँ, कभी भी जैसे ना हो तो वहीं से लिया लेते हैं ना, तो अच्छी बात है, वहीं से ले आना भी चाहिए। आप प्रिंस तुम भी जा रहे हो क्या? अच्छा ठीक है, इधर जाओ भैया, भैया इधर बुला रहे, देखना आराम से। चलिए अभी हम लोग चलते हैं, आप लोग प्यार दुलार हमारे चैनल को जरूर दीजिए, पापा के चैनल के प्रमोट कर रही हूँ। अच्छा, अपने मुंह से प्रमोट कर रही है, ये कौन सी प्रमोट हुआ? बाप रे बाप, रहने दीजिए, ठीक है कोई बात नहीं, मेरा भी क्योंकि मेरा चैनल तो कोई ऊपर वाला का हाथ में है, एक दो डाल चुका है। हाँ दोस्तों, अभी वो जो चैनल है ना, रोज डालती है, आज भी वीडियो डाली थी, लेकिन अभी सर्च में नहीं आ रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे मेहनत करेंगे, हो जाएगा सक्सेस। इसी वजह से एक चैनल प्रमोट करके रखती हूँ कि कभी ना कभी मेरे भी काम आ जाए। ठीक है जाइए, टाइम वेस्ट मत करिए, आप लोग जल्दी से आइएगा। भाई बाप, हाँ बाप, क्या करियो मानसी, जाओ जाओ, हाँ मेरे लिए मिठाई लेके आना। अनुज थोड़ा ना, प्रिंस है। अभी मिथुन से दिखा लो, क्या दिक्कत है? बाय बाय मानसी, हाँ परसों नहीं, जल्दी आओ वहाँ से घूम के, ठीक है। देख सकते हैं पानी निकल चुके हैं, चलिए मैं कुछ देर यहाँ वेट करके फिर चलूँगा उधर। और अभी ना गांव में बहुत सारा काम मिल रहा है, पंखा का देख सकते हैं, अभी भी मिला है, खोल के बना रहा हूँ, और देखता हूँ सही हो जाएगा तो पैसा मिलेगा। कल जो बनाया था उसमें 120 रुपये मिला दोस्तों, जिससे सब्जी लाए, और आज जाएंगे अभी चावल आटा लाने, पहले इसको रिपेयर कर लेता हूँ, जो भी पैसा मिलेगा सब्जी वब्जी की दिक्कत नहीं होगा। मुझे पता है आप लोग बहुत खुशी मिल रही होगी दोस्तों देख के। अब बहुत जल्द वो जो भरे हैं ना मिट्टी, दिखा रहा हूँ आपको, ये वाला यहीं पे खोल देता हूँ दुकान, अभी तो देख सकते हैं धूल ओल के ना, इसको यहाँ धूप में रखा हूँ सूखने के लिए। और इसमें कुछ ज़्यादा कमी नहीं दिख रहा है, वायरिंग सही है, लेकिन ना इसका सापट जाम हो जा रहा है, इसमें ना तेल डाल के कुछ भी ये लोग चलाए हैं, तो इसीलिए दिक्कत हो रहा है। इसको पूरा सरफ साबुन से धुल दिया है, इसे में पेट्रोल से धुला जाता है, लेकिन निर्मा साबुन सरफ से भी ना इसको धुल के पहले पानी से सुखा दे रहा हूँ, और फिर इसमें वाल डालेंगे और चला देंगे तो पूरा सीजन काट देगा, क्योंकि पंखा भी बनाना रिक्सी है, नहीं तो बना देंगे और ले जाएंगे या पैसा दे देंगे और फिर ख़राब होगा तो यहीं पर ले आएंगे, तो
अच्छा नहीं है, कोई कहे कि देखिए ये बेफजूल के कह रहे हैं कि पंखा बनाना आता है, इसीलिए मैं अच्छे से बनाता हूँ। कल जो पंखा बना के दिया था एकदम रात भर चलाई, कोई कंप्लेन नहीं। तो चलिए इसको भी रिपेयर कर लेता हूँ धीरे धीरे, और भी हाथ साफ हो जाएगा ये सब में। तो धीरे से जो आप लोग बोल रहे थे कि किसी दुकान पर भी बात करिए भैया, तो मैं बात कर लिया हूँ उनसे, बोला हूँ कि आपके पास कोई काम आता है तो मेरा नंबर लीजिए, यहाँ पे बुला लीजिएगा, मैं पंखा ले जाऊँगा बना के आपको दे दूँगा, जो भी मिलेगा वो हमारा खर्चा चलते रहेगा। तो अच्छा काम किया हो कि नहीं दोस्तों बताइएगा। और चलिए अभी इसको रिपेयर कर लेता हूँ, आज देख पाता हूँ चलता है कि नहीं, और चलता है तो किस डिज़ाइन से चलता है। क्योंकि कोई भी पंखा रिपेयर करेंगे ना, अगर आधा घंटा चल गया हीटिंग से पता चल जाता है कि वो सक्सेस है, अगर ज़्यादा हीट होता है तो फिर गड़बड़ है, आ नहीं तो इतना तो मैं सीखा हूँ। तो चलिए अभी इसको रिपेयर करके फिर आधा घंटा टेस्ट करेंगे चला। फाइनली पंखा बन के रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं अभी ये बूस्ट तेल लिया आया था मशीन में जो पड़ता है, तो इसी को डालेंगे, नहीं तो ये सरसों का तेल डालने से ना और जाम हो जाता है, दो दिन चलेगा उसके बाद ख़राब हो जाता है, इसलिए मैं ये मंगा के रखा हूँ। अभी मंगाया था, ख़त्म हो गया था, अब सही हो गया। चलिए इसको अब दे देंगे, चला के भी इसको चेक कर लिया, सही चल रहा है। तो देख सकते हो फाइनली पंखा बनाने के बाद घर आंगन साफ सफाई कर दिया, बर्तन भी धुल दिया, अभी लगा दी, देखते हैं कब तक आती है, बाकी साफ सफाई कर लेंगे। खाना तो सुबह से बना ही है, और बाकी यहाँ बच्चे खा लेंगे बोले हैं, चलिए अभी साफ सफाई कर लेते हैं। फाइनली अभी देख सकते हैं पानी छिड़े के पूरा घर आंगन साफ कर दिए, इधर बर्तन भी धुल के रख दिए, और खाना में अभी मुझे लग रहा है सब्जी सुबह जो बना दिए थे आप देखे होंगे पहले वाला ब्लॉग में, अभी ढेर सारा बचा होगा हो जाएगा, आप बच्चे तो वहीं पे खा लेंगे, चावल भी है तो अभी खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है। नगांती जी देखते हैं कब तक आती हैं, तब तक मैं नहा धोवा के फ्रेश हो जाता हूँ, क्योंकि थोड़ा हम लोग भी जाएंगे बारात आएगा तो। तो चलिए अभी लाइट भी आ चुका है मुझे लग रहा है, देख सकते हैं शाम हो गया है, कितना सुंदर लाइटिंग हो गया, चेक कर रहे हैं अभी, अभी थोड़ा उजियाला है। नहा धोवा के मैं पूजा पाठ कर लिया, क्योंकि बहुत बगल में अच्छा काम हो रहा है, लड़की का शादी सबसे हिंदू धर्म में पवित्र माना गया है। आप देख सकते हैं अभी शाम हो चुका है, ये बल्ब ना खराब हो चुका है, हम मुझे ये 40 रुपया खरीद के लाया था, शायद वारंटी में भी नहीं है, वो बोले भी थे कि ये गारंटी वाला ले जाओ, मैं बोला कि चलिए इसी को दीजिए, अभी पैसा का दिक्कत है। और जो बात बोला अभी वो सच है दोस्तों, क्योंकि आज ऐसे ऐसे सॉन्ग सुनने को मिलेगा ना कि मेरे को अच्छे से नींद भी नहीं आएगा, विदाई जब होगा उसका सॉन्ग, अक्सर मैं जाता हूँ ना टेंट में लाइट वेट का काम करने, तो ये सब सॉन्ग सुन के मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ, बहुत तरीके से सॉन्ग गाने को गाते हैं जो सुन के बहुत अच्छा लगता है, खास करके बिहार में भोजपुरी भाषा में आप लोग सुने होंगे। तो चलिए अभी नागांती जी अभी तक आई नहीं है, लग रहा है उनको ज़्यादा लेट हो गया, आप बच्चे वहीं खेल रहे हैं, अब उनको मैं भेजूँ थोड़ा पढ़ाई लिखाई करके, उसके बाद थोड़ी देर के बाद जाएंगे, जब नागांती जी आएंगे उनके साथ में। तो चलिए अभी जा रहा हूँ बच्चों को ढूंढ के लाता हूँ। गुरु शुक्रह शनि राहु केतवः सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। देख सकते अभी दुकान खुला है, अन्ना गांधी जी ना मिथुन और काजल मानसी गई थी तो आ गए हैं, कह रही हेलो, नहीं हेलो दोस्तों कह रही है, अभी आया बेटा एक मिनट पहले सामान ले लेते हैं, ले लिए सब खरीद लिए, अच्छा अच्छा चलिए अभी चावल ले लेते हैं, उसके बाद चले जाइए उन्हीं के साथ, अब मैं साइकिल से लेकर आता हूँ ठीक है। अब मैं तो ये साइकिल कैसे पकड़ू, क्लियर ही नहीं है। अब लग रहा है कि हम लोग असली यूट्यूबर हैं ना, अब कहाँ नागंत जी देख सकते अभी फाइनली चावल और आटा लिया लिया, और साइकिल का ना इधर देख सकते हैं लंगड़ी बच्चे ने तोड़ दिया है, तो उसके लिए नट बोल्ट भी लाया हूँ, आना गांधी जी अभी मिथुन काजल के साथ ही आ रही हैं, चले इसको मैं
साइकिल यहाँ किनारे खड़ा करके इसको घर में रखता हूँ। और देख सकते हैं पूरा अंधेरा अंधेरा है हमारा घर, अभी बारात नहीं आया है। देख सकते कैसे अंधेरा है, लेकिन बल्ब लेके आया हूँ। आ जो ये बल्ब रिपेयर हो जाए उसका भी व्यवस्था ले आया हूँ, देखता हूँ रिपेयर कर पाता हूँ कि नहीं। अभी देख सकते चावल आटा यहाँ कुर्सी पर ले आकर रखा हूँ, ये बल्ब जो खरीद के लाया था लगा दिया, ये 40 रुपया के मिला दोस्तों। और एक चीज़ और लेके आया हूँ, इधर देख सकते बाहर पूरा अंधेरा अंधेरा, सोना गांधी जी आने ही वाली है। और वो पंखा लेके गए नहीं थे, यहाँ पे लगा दिया था, मेरा वाला तो बिल्कुल ख़राब हो गया। ये देखिए चलिए, इसको थोड़ा आधा घंटा चला के चेक भी कर लिए, कल आएंगे तो उनको चेक करा के फिर खोल के दे दूँगा। अभी क्या क्या लेके आया हूँ, बल्ब रिपेयर करने वाला, वो भी धीरे धीरे सीख जाऊँगा, क्योंकि कोई चीज़ खोलेंगे इलेक्ट्रिकल का तो ये सब जानकारी रहेगा तो अच्छा रहेगा। देखिए क्या क्या लेके आया हूँ, ये तो नट बोल्ट जो है क्लियर लंगड़ी लग जाएगा, साइकिल का जो टूटा था नट बोल्ट खुल के कहीं गिर गया था तो यही वाला मिला दोस्तों। और ये लाया हूँ बल्ब में जो लगता है किट, 10 रुपया का 2 मिला, और थोड़ा सा उनसे ही ये रंगा मांग के लाया, इसी से सोल्डिंग हो जाएगा, तब देखते हैं जल पाता है कि नहीं, नहीं तो ऐसे दुनिया भर का पैसा लगता। चाहे गारंटी वाला तो 120 रुपया 80 रुपया इसी डिजाइन से है, तो चलिए इसको मैं लगा के देखता हूँ सोल्डिंग करके जलता है कि नहीं। देख सकते यही वाला बल्ब को खोल के चेंज करना है, चलिए इसको खोल लेता हूँ। तो अभी देख सकते हैं आ गई ना गांधी जी, और ना थोड़ा जल्दी जल्दी वीडियो बना रहा, क्योंकि कॉपीराइट आ सकता है, इसीलिए तेज भी बोल रहा हूँ। हाँ, आवाज़ आ रहा है गाना का। इधर आ गया साइकिल, अब बल्ब नहीं बन पाया, सोल्डर ही नहीं मिल पाया, सुबह बनाऊंगा उसको, सोल्डिंग ले आना पड़ेगा। ये देख सकते हैं दोस्तों अभी क्या क्या ले आए हैं मैंने, ये पूरा महीना भर का राशन हो जाएगा ना जी। महीना भर तो नहीं, खैर हाँ महीना भर जो भी चले। और इधर बाकी जो भी सामान है ना, मर्चा मसाला और ये क्या है जी, हम घर को दे दें, तो जो भी घर का इनका जो कम था वो सब लिया लें। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग, इतना प्यार दुलार हमारे कमेंट द्वारा चैनल पे बताए, दिल खुश हो गया दोस्तों, दिल से धन्यवाद आप लोग, ऐसी अपना आशीर्वाद बनाए रही हमारे ऊपर। चलिए अभी इसका लंगड़ी लगा लेता हूँ ना, नहीं तो सुबह पढ़ने जाएंगे, कल पढ़ाई है, है ना। हाँ मैं सही ले आया, नहीं तो साइकिल का बहाना मार देते, कहते मैं नहीं जाऊँगा। ले आओ इधर, फिर आज देखो बेटा किधर है, देखिएगा देह पे मत गिरा लीजिएगा ना गांधी जी। और बहुत सुंदर जयमाला सजा हुआ है, थोड़ा जाइएगा ना गांधी जी, थोड़ा बना कर आइएगा, मैं तो नहीं बनाऊंगा, नहीं तो कोई कहेगा ना, आप औरत बना सकती हैं। हाँ बना लीजिए, देख सकते हैं मैं बोली जी बना देती हूँ, तभी जब नहीं नहीं हम बना देते हैं, आप मैकेनिक मत बनिए, मेरे के रहने दीजिए ना, बल्ब तो नहीं आएगा, ये तो नोट बल्ट लगा के कस देना है ना, लाइट अगर करता है थोड़ा सा मजबूत, मतलब देख देख के थोड़ा सा सीख गई हूँ। ये रोज आके पिलास है ना, इसको चेक कर लेना, लूज होगा 2 दिन चलाओगे तो लूज होता है, इसी अस्तर तो फिर खुल के पता चला कि ये लंगड़ी गिर गया कहीं ना लगा थी। हाँ अभी लेके आई हूँ खरीद के मार्केट से तुम्हारे लिए, नहीं ले जाते तो 20 रुपया लेता, 20 रुपया मेरे बच्चे 5 बिस्कुट खाएंगे पार ले जी ना काश। हाँ काश टूफी पे बिका, तू कहेगा ऐसा नहीं को पहले मैं ठीक पहनूँ। हो गया, सकते बाल्टी खाली हो चुका था ना गांधी जी का, टेंशन बढ़ गया था, अब तक हैप्पी है ना जी, बिल्कुल। अब उसके बाद ढेर सारा मेहनत करेंगे, 2 पैसा बचेगा, उसके बाद जो काम है टारगेट है हमारा, 2 महीना का फिर स्कूल फीस भर देंगे, और एक बच्चों का ड्रेस सिलवा लेंगे ना, फिर टेंशन फ्री ना गांधी जी। चलिए अभी चावल आटा इसमें रख लेते हैं, ये बाल्टी दोस्तों आप सोच रहे होंगे ये दिल्ली से मैं लेके आया हूँ ना जी, दिल्ली। हाँ वो काम करते थे ना, तो वहाँ पे स्टोर में, हाँ स्टोर में से ले लेते थे, कि ये बहुत हेवी बाल्टी, एक बार मेरा मैं लेके आया था मेरे कमरे में था, नगांती जी या मेरे घर पे इतना खुश हुए ये बाल्टी देख के, अभी तक है कम से कम 10 साल हो गया दोस्तों, इसमें पानी कुछ भी रख ले चूहा नहीं काटता है,
ये चूहा तो खैर काटना चाहे तो काट ही देंगे, लेकिन फिर भी ये नहीं काटता। हाँ बहुत तगड़ा है, देखिए यहाँ से कैसे काटे हुए। चले थोड़ा तेज बोलिए नहीं तो उधर से आवाज इसमें खप। यहाँ पर काट दिया, देख सकते हैं दोस्तों कहाँ। देखिए हाँ, यहाँ पर नहीं चूहा नहीं काटा, वो पेचकस से खोले हैं तब हुआ है, नहीं चूहा ही काटा। चूहा काटा हुआ है, चूहा को चैलेंज मत करिए, चूहा बहुत खतरनाक चीज है। चूहा खत्म है, एक छुछुना आ गई है। छुछुना? हाँ चूहा घर में से खत्म हो गया। चलिए इसको चावल खोलिए और आटा चावल रख लीजिए। हेलो दोस्तों, सुबह सुबह का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। हम लोग उम्मीद करते हैं आप एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने जीवन में खुश होंगे। हम लोग भी बिल्कुल अच्छे हैं दोस्तों। तो आज है नेक्स्ट डे, अभी हमारे धर्म पत्नी जी देख सकते हैं क्या कर रही हैं। चलिए मैं बैक कैमरा से दिखाता हूँ। मानसी क्या कर रही हो आप और बड़ी मम्मी? कुछ नहीं, कुछ नहीं। देखिए बड़ी मम्मी के दुलारूई बेटी मानसी आ गई है। कहाँ भाजी ये देख सकते हैं अभी की बड़ी मम्मी को मदद करने के। नगन दीजिए, अब रहने दीजिए, रहने दीजिए, दो चार दिन के बाद और बैठेगा। कहाँ है मैं लौटी बजे बैठी जी? हाँ लौटी नहीं थी तो जो छोटा छोटा है वो और नहीं बड़ा होगा ना, अब इतने पर। चलिए फिर कोड़ दीजिए, कितना निकलता फिर दिखाएंगे ना। मनसी तुम आप क्या कर रही हो? एक टाइम के लिए हो गए। हाँ हरन दीजिए फिर कोल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। मेरे खुर्पी खतरा का धुलवा दिया। आइए देख सकते हैं अभी हमारा खेत का लुक दोस्तों, हरे भरे। देखा है मोटर फाड़ फूल लेते अभी नहीं फाड़ा, अभी वो नहीं हुआ होगा, अभी पट्टा होगा। मानसी को भी आलू मिल गया एक। हाँ। ये देख सकते हैं दोस्तों, ए हुआ है जी, ये देख सकते हैं। हाँ तोड़ लीजिए, थोड़ा सा मिला बनाएंगे, बिन बिन के टूटेगा, पाटा मत टूटेगा। ये देख सकते हैं दोस्तों जो ऐसे हो गया। हाँ आलू और गोभी तो है, हम मटर मिला के आज सब्जी बनाएंगे शाम को अपने खेतों का। हरे हरे मटर आप भी जा रही हो मटर तोड़ने? देख सकते हो बड़ी मम्मी इनके मटर तोड़ रही है, मानसी लिया के दौरा में रख रही है कि सब्जी बनेगा ना। मानसी हाँ। आपको मटर पसंद है? हाँ, अच्छा तो अभी तोड़ते हैं तो भूजेंगे, आपको भी खिलाएंगे। ये देखो ये तोड़ो लो, ये देखो कितना बड़ा हो गया है। हाँ। जो बड़ा बड़ा हुआ है उसको तोड़ना आराम से। हाँ हाँ दौरा में रख दो, उसको ना पकड़ के गिर दी, मैं इतनी स्ट्रांग हूँ। अच्छा स्ट्रांग है? हाँ। बाप रे बाप, मेरी टी इंग्लिश बोल रही है स्ट्रांग है। ओ देखो बड़ी मम्मी दी, ले जा, कितना अच्छा लग रहा है नगांती जी और मानसी को मटर तोड़ते हुए देख के। अभी उठाऊंगी। बाप रे ये देखिए तोड़ के ले गई, अब रखेंगे दबरा में। तो दोस्तों फाइनली आज की वीडियो जरूर बताइएगा कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर भी करिएगा। हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग को ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। और यहाँ तक वीडियो ब्लॉग देखने के लिए दिल से धन्यवाद। इंस्टाग्राम का लिंक तो आपको पता है, टुक टुक सलोबती से आप हमें वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। तब तक ख्याल रखेंगे। और एक छोटा सा जो सॉन्ग गाया हूँ उसको इस वीडियो में भी बताइएगा कैसा लगा, और भी बड़ा बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ कमेंट द्वारा। तो आप लोग के कमेंट द्वारा अगर हमें हौसला प्राप्त होता है तो और भी अच्छे अच्छे सॉन्ग बनाएंगे जिसको सुन के आप लोग को बहुत अच्छा लगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान,